सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हम लोग गए हैं आज रोहित भाई का वर्क स्टेशन पे। और क्यों गए हैं? क्योंकि आपके आ रहे थे बहुत सारे कमेंट के कुछ मोटर के बारे में बताइए, यानी कि मोटर को टेस्टिंग बताइए, मोटर को मैगर से कैसे टेस्ट करते हैं, मोटर रिवाइंडिंग क्या है। तो अभी आप जो देख रहे हैं हमारे फ्रेंड है रोहित भाई, उसका वर्क स्टेशन है और आप देख सकते हैं कि कितना सारा सामान और कितनी सारी मोटर है वहाँ पे पड़ी हुई है। कुछ आप देख सकते हैं खुली हुई है, कुछ सबमर्सिबल पूरे पड़ी हुए, कुछ स्टेटर है। और आगे रोहित भाई से हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आज हम दिखाने वाले हैं मेगर का टेस्ट, मोटर को कैसे मेगर से चेक करते हैं, और साथ में है हमारे रोहित भाई। तो रोहित भाई सबसे पहले दिखाने वाले हैं कि मेगर मीटर क्या स्टार्ट है, ऑन है और सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि मेगर का कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो ये जो मेगर आपको दिखा रहे हैं 1000 वोल्ट का है और 500 मेगा ओम्स का है। तो सबसे पहले रोहित भाई दिखाएंगे कि मेगर कैसे चेक करते हैं मेगर मीटर को, कि मेगर मीटर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बटन प्रेस जैसे ही आप करेंगे और मेगर को दोनों वायर आप आपस में जोड़ देंगे, यानी कि दोनों प्रोब, तो आपको दिखाएगा मेगर के सही है कि नहीं है। तो अभी हमने टेस्ट किया मेगर का कंटिविटी, तो मेगर मीटर बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो ये सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर को हम करेंगे चेक मेगर मीटर से। और ये जो मोटर है सिंगल फेज, ये है V4 टाइप वर्जन की मोटर है और ये रिवाइंडिंग की है रोहित भाई ने। जो पहले मोटर का वाइंडिंग था शॉर्ट, तो रिवाइंडिंग किया है मोटर का। तो अब चेक करते हैं मेगर से कि सही से वाइंडिंग है और मोटर क्या हमें दिखाती है। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसकी बॉडी अर्थ है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि वायर लगाया हमने मोटर की बॉडी के साथ, और बॉडी के साथ लगाने में सबसे पहले ये हमें चेक करना पड़ेगा कि बॉडी के साथ सही से कनेक्ट हो गया है। अगर कनेक्ट हो गया है वायर, तो पहले हम बॉडी के साथ मीटर को दोनों वायर मीटर की अटैच करके चेक करेंगे कि जो हमने वायर लगाया वो परफेक्ट है, सही है, काम कर रहा है कि नहीं है। तो आप अभी देख सकते हैं मेगर में कि बॉडी के साथ परफेक्टली वायर अटैच हो गया है और मेगर मीटर दिखा रहा है बॉडी के साथ, यानी कि कंटिविटी दिखा रहा है। वाइंडिंग के साथ चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं मोटर का कॉमन वायर। जो कॉमन वायर होता है वो ब्लू होता है, और आगे हम ये भी आपको समझाएंगे कि कॉमन वायर सिंगल फेज सबमर्सिबल में क्यों होता है। तो सबसे पहले चेक कर रहे हैं रोहित भाई, यानी कि कॉमन वायर चेक कर रहे हैं मोटर की बॉडी के साथ, बॉडी अर्थ है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेगर मीटर में कितना मेगा ओम्स बहुत ही कम दिखा रहा है, यानी कि कॉमन वायर जो मोटर का है वो बिल्कुल ही सही। अब हम चेक करेंगे मोटर का जो रनिंग वाइंडिंग है उसके बारे में चेक करेंगे। तो देखिए, तो जो हमारा रेड फेज है यानी कि रेड वायर है वो चेक कर रहे हैं रोहित भाई मेगर मीटर से। तो आप देख सकते हैं कि रनिंग वायर में भी कितना मेगा ओम्स कम आ रहा है, मतलब ये भी वाइंडिंग कॉइल है जो रनिंग वाली, ये भी परफेक्टली काम कर रही है। अब हम चेक करेंगे मोटर का स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग पे अभी लगा दिया है रोहित भाई ने प्रोब, यानी कि येलो वाला जो वायर है, पीला वायर है, वो मोटर का है स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब चेक करते हैं मेगर मीटर से कि इसकी वाइंडिंग कॉइल भी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो आप देख सकते हैं मेगर मीटर दिखा रहा है कि ये वाइंडिंग कॉइल भी बिल्कुल ही सही है और मेगा ओम्स बहुत ही कम है। अगर कोई भी वाइंडिंग कॉइल में मेगा ओम्स बहुत ही ज्यादा आते हैं तो वाइंडिंग कॉइल में होती है प्रॉब्लम। तो अब हम बारी बारी से आपको तीनों फेज चेक करवा दिया है मेगर मीटर से, और आप देख सकते हैं कि मोटर का वाइंडिंग परफेक्टली है और बहुत सही काम कर रहा है, और ये हमने चेक किया बॉडी अर्थ के साथ। अब हम लोग चेक कर रहे हैं क्लैंप मीटर से मोटर की कंटिविटी चेक कर रहे हैं कि मोटर की जो अंदर का वाइंडिंग कोयल है, स्टार्टिंग वाइंडिंग भी इसमें आता है, रनिंग वाइंडिंग भी आता है, और एक वायर जैसे कि हमने आपको बताया कॉमन आता है। तो अगर मोटर का स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग हमें चेक करना है, वो कोयल के बारे में हमें जानना है, तो कैसे चेक कर सकते हैं? तो देखिए ये चीज आपको दिखा रहा है। तो सबसे पहले रोहित भाई दिखा रहा है कॉमन वायर से एक प्रोब अटैच करेंगे क्लैंप मीटर का। तो ब्लू वाला जो वायर है वो हमारा कॉमन वायर है, तो ब्लू वाले वायर से अटैच कर दिया क्लैंप मीटर का एक प्रोब, और क्लैंप मीटर को हमने सेट किया है कंटिविटी टेस्टर पे, यानी कि कंटिविटी बजर साउंड भी आपको आएगा तो इस तरह से। और अभी आप चेक कर रहे हैं हम लोग रनिंग वाइंडिंग मोटर का, और रनिंग वाइंडिंग आप देख सकते हैं कि इसमें आ रहा है कि कंटिविटी टेस्ट में 9 ओम समय दिखा रहा है हमारा क्लैंप मीटर। ये है अभी रनिंग वाइंडिंग चेक कर रहे हैं जो ब्लू और रेड था। अब चेक करेंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में आप देख सकते हैं हमने येलो वायर ले लिया है और दूसरा जो था वो हमने रखा है ब्लू ही वायर। अभी आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 7 ओम आ रहा है। ऐसा क्यों ओम आ रहा है वो भी आपको समझाते हैं।
क्या हमेशा कोई भी सिंगल फेज मोटर हो, सबमर्सिबल मोटर हो या फिर इंडक्शन मोटर, उसमें आप स्टार्टिंग वाइंडिंग चेक करेंगे तो इस तरह से ओम्स आएंगे कम, और रनिंग वाइंडिंग आप चेक करेंगे तो उसमें ओम्स आएंगे ज्यादा। दो चीज का आप ध्यान रखिए, स्टार्टिंग कोयल और रनिंग कोयल कैसे आप चेक कर सकते हैं, और ये ओम्स इस तरह से दिखाएंगे, इसका मतलब है आपका मोटर का अंदर जो वाइंडिंग है। तो आपने देख लिया कि अभी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें 7 ओम्स दिखा रहा है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा होता कि हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग में आप क्लैम्पमीटर से चेक करेंगे या फिर कोई भी मीटर में, तो ओम्स कम दिखाएगा और रनिंग वाइंडिंग में ज्यादा दिखाएगा। तो उस तरह से आप मोटर चेक कर सकते हो, मेजर मीटर से भी आपको समझा दिया और क्लैम्पमीटर से भी आपको समझा दिया। और हमारे साथ है रोहित भाई, जिसको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है मोटर रिवाइंडिंग के बारे में, और ये जो हम अभी बैठे हैं रोहित भाई के ऑफिस पे ही बैठे हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था, वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि रोहित भाई के साथ हम बहुत और वीडियो भी बनाने वाले हैं, मोटर रिवाइंडिंग सीरीज भी आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। जय हिंद, वंदे मातरम।